आपका 70 चल रहा है और 70 के दौरान आपने चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, ऐसे क्या विशेष कारण बने कि आपने चीफ सेक्रेटरी को बदला है और नए व्यक्ति को तैनाती दी है। और ये हाउस में अपना पक्ष रखना, अपनी बात उठाने का हमें अधिकार है, इसलिए हमने उनसे ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि आज के अखबारों में छपा था कि चीफ सेक्रेटरी हटाए जा रहे हैं, नए चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं और फाइल अप्रूव हो गई है गवर्नर हाउस से, तो ये सारी बातें। तो जब हाउस चल रहा हो तो फर्स्ट राइट हाउस का होता है कि उसको सूचना दी जाए। तो आप जो है, और हाउस चलते कोई ना कोई तो विशेषक कारण रहे होंगे जो कि आप इस ढंग से चीफ सेक्रेटरी को हटा रहे हैं, बेआबरू करके हटा रहे हैं। और अभी उनकी सर्विस के 2 साल, 2.5 साल बाकी हैं। सेकेंडली ये है कि हिमाचल का एक व्यक्ति बड़ी संघर्ष करके इस पोस्ट पे पहुंचा। हिमाचलियत की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं। कल डॉक्टर परमार की जयंती थी, डॉक्टर YS परमार हिमाचल के पहाड़ी के हिमाचलियत के पक्षधर थे। आपने उस दिन जो है हिमाचल का अफसर हटा दिया और इसलिए हमने उनसे बात की कि आप छठा चीफ सेक्रेटरी हटा रहे हो, आप कितने हटाओगे। आप देख रहे हैं कि पहले फारका को हटाया आपने, उनको एडवाइज़र लगा दिया, उसके बाद विनीत चौधरी आए, फिर उसके बाद ये अग्रवाल आए, अग्रवाल के बाद बाल्दी जी आए, बाल्दी जी के बाद खाची साहब आए, अब खाची के बाद अब रामस्वाग आए। आप चीफ सेक्रेटरी को तो आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे किसी अंशकालीन कर्मचारी बदले जा रहे हैं, ड्यूटी लगाई जा रही हो। तो ऐसा जो है व्यवस्था में थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। लगातार आप अफसरों को बदल रहे हैं तो ये आपकी एक मानसिकता बन गई है कि आप ये साबित करना चाहते हैं मैं किसी को भी बदल सकता हूँ, मैं टॉप आदमी को भी बदल सकता हूँ। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।